काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो। ऋषि तुम में काम करो, खुशी छोड़ो आराम करो। भारत माता की जय। बता देना चाहता हूँ कि ये जो बार बार क्लस्टर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये जो प्रशासन बलों का उपयोग करती है खासकर स्टूडेंट की मांगों के बीच, तो इस मुद्दे पर मैं यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन के जो बल हैं उनके भी बच्चे होंगे जो ऐसे ही सफर कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी जम्मू के बसिंदे हैं। और उनसे यही करूँगा, मतलब आग्रह करूंगा कि यहाँ पे हम जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें दखल अंदाजी ना करें। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा था किस तरीके से NSUI भी लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी थी और ये बच्चे लगातार अपने प्रदर्शन को यूं ही जारी रखे हुए हैं। कारण आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से इन बच्चों ने 80% से ज्यादा मार्क्स जो थे वो लिए, उसके बावजूद भी इन बच्चों को इनके पसंदीदा स्ट्रीम्स जो हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद ये बच्चे सड़कों पर उतरे। आपने वो दृश्य भी देखे, लेकिन हालांकि जम्मू यूनिवर्सिटी में सीटें जो हैं उन्हें बढ़ाया गया, लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी का सूरत हाल वैसा का वैसा है। ये और अक्सर यही तस्वीर जो है हर साल देखने को मिलती है, ये कोई नई तस्वीरें नहीं है। बस फर्क इतना था इस साल कोरोना की वजह से बच्चों की परसेंटेज जब हाइक करी तो सीट्स जो थी वो कम हो गई, उसके बाद बच्चे जो हैं सड़कों पर उतरे। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालांकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर है, और लगातार ये भी बच्चों पर नज़र बनाए हुए हैं किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ना है। लेकिन ये लोग जो हैं एडवाइजर साहब के खिलाफ भी जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी लेने के बावजूद भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो आप फैमिली परेशान नहीं है कि इतने मार्क्स लिए उसके बावजूद भी आप सड़कों पर? फैमिली वाले तो अलग, मतलब वो तो करते ही हैं स्पोर्ट्स, चलो कोई बात नहीं, ड्रॉप कर लेंगे, कर लेंगे, ड्रॉप की आपने कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं? सब्जेक्ट में
ऑनर चाहिए थे, लेकिन ये वहाँ हम लेके रहेंगे कहाँ से आए रामबन से करते हैं 2000 रुपए रेंट देते हैं होटल का फिर अपना खर्चा और इन्होंने इतने फॉर्म भरवा दिया सारे फॉर्म भरवा भरवा के तो लास्ट में बच्चे इतने खज्जल करते हैं, कभी बोलते हैं आप गांधीनगर जाओ, कभी बोलते हैं एमएम कॉलेज जाओ, कभी बोलते हैं कल आना, गेट पे से अंदर बाकी बच्चों को ये जाने नहीं देते, हम बात कैसे करें, कौन हमारे साथ कोई बात ही नहीं करता, ऑफिस बंद करके बैठे रहते हैं, हम क्या करें सर, हम खज्जल होके बैठे हुए हैं। एलजी साहब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? सर हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज बच्चों को एडमिशन दिला दो, बस हमें बस बच्चों को एडमिशन दिला दो, इस तरीके से बच्चे मत खज्जल करो। दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं, कोई रावण से आया, कोई सांबा से आया, कोई किसी क्षेत्र से कहाँ पहुँचा है, और लगातार 20-25 दिन हो चुके हैं इन बच्चों की ना तो कोई प्रयास सुन रहा है, ना इनकी कोई आवाज़ सुन रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का सूरत हाल वैसा का वैसा ही है। और अलग किस्म की है लेने के बाद भी अगर प्रदर्शन करना पड़े तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कुछ कॉलेज बने हमारे लिए, अगर हमें यहाँ 86% लेने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल रही तो हम ऐसे ही बैठे। कौन से स्ट्रीम में आप चाह रहे थे कि एडमिशन मिले, सब्जेक्ट्स कौन से रहे? आर्ट्स में रखे थे, उसमें भी कह रहे हैं सीट्स को, हाँ सीट्स बोला गांधीनगर में, हम वहाँ गए थे उन्होंने हमें बोला कि यहाँ, और हम लोग यहाँ दो तीन लड़कियाँ हैं तो उन्होंने हमें वैसे ही भेज दिया। कितने दिनों के लगातार ऐसे चक्कर काट रहे हैं? एटलीस्ट 10-15 दिन से हम लोग डेली ऐसे आ रहे हैं, कभी गांधीनगर जा रहे हैं, कभी अन्य अन्य वाले यहाँ भेजते हैं। बच्चे भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हाय हाय। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के कानून से तुम सब नहीं आएगा ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी जब से बनी है ना, यहाँ से प्रोटेस्ट एक आम बात हो गई है, क्योंकि इससे पहले 2017 से बात करें, 18 से बात करें, उससे पहले जो एडमिशन होती थी वो सभी कॉलेजेस खुद ही लेते थे एडमिशन, मतलब का रोल होता था, और जब से यूनिवर्सिटी बनी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने जो अपने जम्मू कश्मीर के मैच कर दिया उनकी एडमिशन खुद ही, प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं रहा, और जो भी है प्रोसेस है वो ऑनलाइन है सारा, बच्चों का कोई मतलब एक फॉर्म लगाया, अगर काउंसलिंग का मैसेज आया तो आप लोग काउंसलिंग अटेंड करोगे, आप नहीं करेंगे तो मेन है जम्मू सिटी में कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा एज पर इंफ्रा एज पर बिल्डिंग फैसिलिटीज, क्योंकि GDC आप मिश्री वाला यहाँ पे जम्मू में जो 3 कॉलेज हैं जो पुराने GDC मिश्री वाला और GDC जो पुराने जो यहाँ पे बिल्डिंग है, उसके अलावा आप बात करें सिद्धरा नगरोटा मढ़ फिर कुंजवानी है, कुंजवानी तो शेड में चल रहा है वो बसेरा ही नहीं है उनका, तो वो तो बात ही नहीं करते, बाकी जो 3 कॉलेज 4 बने बताए वहाँ तो अभी नींव पत्थर भी नहीं रखा गया, तो आप बोलते हैं जी आप एडमिशन करवाओ, एडमिशन कैसे करवाए वो आगे बच्चे को, अगर साइंस स्ट्रीम का बच्चा है उसको क्रिटिकल करना है,
बीकॉम का है, बीकॉम के लिए आप इंफ्रा प्रोवाइड करोगे, रिक्रूटमेंट आप कर नहीं रहे, स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो बच्चों को एडमिशन अगर दे रहे हो तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, फैसिलिटीज नहीं है, तो वो सब मुद्दों पे आए। फैसिलिटीज नहीं है और बच्चे आर्थिक परसेंटेज देने के बावजूद भी जो है जो ठोकरे खा रहे हैं, मैं यही शब्द यही इस्तेमाल करूँगा की बात करूँ तो स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से बाहर निकल के बच्चों को जा सकती है, कोई रास्ता नहीं है। सवाल बहुत है इस सवाल का, एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार कैसे देगा, एडवाइजर जो एजुकेशन के बनाए गए हैं वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं। एलजी साहब कल जम्मू पहुंचे, उन्होंने एनएचएम के एम्प्लॉयज के बीच में जाकर बातचीत करी, लेकिन वो इस चीज़ पर क्या संज्ञान लेंगे सवाल ये है। अगर आपके पास सवाल का उत्तर है आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और बच्चों के इस प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, अपना समर्थन हाँ या ना में लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट में रही बाबू एक्सप्रेस पर, रेत रोग के साथ शोर लगे बाबू एक्सप्रेस के लिए। जय।